ये चला गया इसका तड़का। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मिनी किचन। आज की हमारी मिनी किचन की रेसिपी है मिनी पाव भाजी। तो ये मिनी पाव भाजी की रेसिपी बनाने के लिए हमारे पास मौजूद है, ये है ब्रेड पाव जिसे कहते हैं, मक्खन, प्याज को चॉप कर लिया है, ये गाजर और मटर हैं इनको हमने बॉयल करके चॉप कर लिया है, ये आलू को भी उबाल लिया है, ये टमाटर, ये नमक, ये चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। पाव भाजी मसाला ये, अच्छा ये है पाव भाजी मसाला, मुझे नहीं पता था। चलिए ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं मिनी पाव भाजी बनाने के लिए। वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो पसंद आए जिसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये चला गया इसमें अब बटर, अभी इसमें डाल दिए प्याज, ये है टमाटर जिसे हम टमाटर बोलते हैं, ये चला गया इसमें नमक, ये हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर। ये चला गया पाव भाजी मसाला, ये हमने घर पे बनाया है। ये है मटर और गाजर जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। ये अब चला गया इसमें आलू उबला हुआ जो हमने मैश करके रखे हुए थे। चेक करते हैं रियान के हाथ की पाव भाजी आज कैसे बनाता है। थोड़ा सा डालते हैं पानी, अब डालते हैं इसके बाद थोड़ा सा और बटर। पाव भाजी में असल जायका ना बटर का होता है, बटर से बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। इसे हमने उतार लिया है और अब इसका हमने बनाना है बस तड़का। अब बना ले इसके लेते हैं इसका तड़का। तड़का भी मक्खन के साथ लगाने? हाँ मक्खन का ही तो इसमें काम है। इसमें डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हो गया तैयार तड़का। ये चला गया इसका तड़का, अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिनी ब्रेड को हल्का सा सेक लेंगे बस। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मिनी पाव भाजी हो चुकी है तैयार। कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी लग रही है, खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। रियान ने मेहनत की है काफ़ी, बड़ी अच्छी बनाई है रेसिपी। तो आज की रियान की बनाई हुई मिनी रेसिपी आपको मिनी पाव भाजी की पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज़ हम वीडियो अपलोड करें और आप तक रोज़ ही पहुंच जाए इसका नोटिफिकेशन। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।